नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको कुछ नया चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये हाइवा का क्लच प्लेट है, ठीक है। मेरा नाम है सूरज शर्मा, आप देख रहे हैं सूरज शर्मा बाइक पॉइंट। मैं आपको एक हाइवा का क्लच प्लेट जो है ये किस तरह से रिपेयरिंग होता है। जैसे क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इसको पूरा चेंज कर देते हैं, नया लगा देते हैं। तो इसमें ख़राब होने लायक वाला कोई चीज़ नहीं होता। ये जो प्लेट है ना, आप देख रहे हैं, ये प्लेट में ख़राब होने लायक कोई चीज़ नहीं है। जो ऊपर में लेदर लगा हुआ होता है ना, जैसे कि देख लीजिए, ये उसका शू क्लच प्लेट बोलते हैं इसको। ये क्लच प्लेट है हाइवा का, ठीक है, हाइवा का क्लच प्लेट है। और ये जो क्लच प्लेट है ना, ये रानी का हम लोग क्लच प्लेट इसमें फिटिंग करेंगे। ये हाइवा वाला जो है ये बिस्किट की तरह रहता है, एक यहाँ ऐसा लगा रहेगा तो अपोजिट में ये देखिए, ये जिस तरह से मैं बैठा हूँ ये इसी तरह से ही लगता है। और नीचे तरफ में भी जो है आप इसी तरह से ही लगाएंगे, जैसा ऊपर से दिख रहा है उसी तरह से नीचे से भी रहेगा, दोनों पार्ट सेम टू सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, टोटल 12 बिस्किट्स रहते हैं। देखिए ये जैसे है क्या बिस्किट, इसी तरह से ये 12 पीस रहते हैं। क्लच प्लेट सेट आता है इसका, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इसमें ये रिपीटिंग जो है, रिपीट भी 12 पीस इसमें रिपीट जो है कंपनी साथ में देती है। ये लेदर आप अगर खरीदते हैं तो आपको 12 पीस ये भी देगा। और साथ में आपको मैं आपको इसका रेट दिखा देता हूँ कि कितने रुपये का ये लेदर है। लेदर जो है 2586 2586, ये लेदर का प्राइस है 2586, ठीक है दोस्तों, 2586 इसका लेदर का दाम है। ये रिपेयरिंग वगैरह करके आपको करीबन नहीं भी तो 3000 तक में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 3000 तक में ये कम्प्लीट हो गया तो ये फिर पूरी तरह से नया हो गया। इसमें और कोई भी चीज़ जो है, अगर बाय चांस अगर इसका स्प्रिंग वगैरह लूज हो जाता है या तो टूट हो जाता है, तो फिर ये पूरा तरह से रिजेक्ट हो जाता है। अगर कस्टमर अगर इसको अगर नया लेने जाते हैं क्लच प्लेट को, तो नया क्लच प्लेट मैक्स टू मैक्स कम से कम मेरे को लगता है जहाँ तक 10000 के आसपास का ये दाम होगा। तो 10000 रुपये हमें क्यों खर्चा करना है जब हमारे कम खर्चे में बन रहा है। तो ये है कम खर्चे में बनाने का इसका सबसे अच्छा जुगाड़ दोस्तों। ये तो हम अभी आपको रिपीटिंग खोलते हुए आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन लगाते हुए ज़रूर दिखाएंगे कि इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है। लगाते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और साथ में क्या है, खोलने वाला नहीं दिखाया, खोलने वाला आपको फिर कभी और जब होगा, दूसरी बार आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। मैं थोड़ा बाहर था बोल के मैं नहीं दिखा पाया। तो दोस्तों रिपीट को फैलाया गया था, अब लास्ट जो है फाइनल इसको रिपीटिंग किया जा रहा है। लास्ट जो हेवी पंच होता है वो अभी लास्ट में मारा जा रहा है। इसी तरह से जो है ये हाइवा का क्लच प्लेट जो है रिपीटिंग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सभी चीज़ों को हाथों से किया जाता है, किसी भी चीज़ को मशीन या इसी के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, जो भी है हाथ के द्वारा ही रिपीटिंग किया जाता है। जितना भी पंच है वो सारा जो है बनाया गया है हाथों से ही, वैसा कोई भी पंच उसका रेडीमेड आता नहीं है।